हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में। और 4 जनवरी 2019 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को डेली करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी हाल ही में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। 2 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक देना बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। और इन बैंकों के विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा संपत्ति के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक के बाद भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक माना जाएगा। याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक माना जाएगा। कब? इन दोनों के विलय होने के बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक के साथ विलय होने के बाद। और भारत सरकार ने 2018 में 3 बैंकों के विलय की घोषणा की थी। याद रखिए, ये 2018 में घोषणा की गई थी। यूके सिन्हा MSME पुनरुद्धार पर RBI पैनल के प्रमुख बनाए गए हैं। RBI ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जिसे हम MSME कहते हैं, क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए व्यापक समाधान की समीक्षा प्रस्ताव के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। और इस समिति की अध्यक्षता सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा करेंगे। ये कौन है? यूके सिन्हा सेबी के पूर्व अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। वाणिज्यिक निर्यातकों को 600 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता दी गई है। भारत सरकार ने निर्गामी नौवाहन को बढ़ावा के लिए वाणिज्यिक निर्यातकों को 3% ब्याज अनुदान करने का निर्णय लिया है। कितने परसेंट? 3%, याद रखिएगा। और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है। युवाओं के लिए योजना जारी रखने को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017-18 से 19-20 की अवधि के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी रखने को मंजूरी दी गई है। याद रखिएगा, 2019 से 2020 तक। और इस योजना के लिए कुल बजट 1160 करोड़ रुपए हैं कुल। और यह योजना युवा मामले और खेल मंत्रालयों की एक चालू केंद्रीय क्षेत्र योजना है। और योजना का उद्देश्य है जो युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों को विकसित करना, इसका उद्देश्य है। सौरभ कुमार के OFB के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो हाल ही में सौरभ कुमार ने 1 जनवरी 2019 को कोलकाता में आयुष निर्माणी महानिदेशक और आयुष निर्माणी बोर्ड के अध्यक्ष पदभार संभाला हाल ही में। और ये 1982 के भारतीय आयुष निर्माण सेवा के अधिकारी भी रहे। वीर सावरकर हवाई अड्डे को चेक पोस्ट घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत में प्रवेश निकासी के लिए अधिकृत अप्रवासन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। और यह पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डों में को सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और प्रवचन सुविधाओं के लिए खोला जाएगा। मतलब जितने भी नेशनल हवाई अड्डे, इंटरनेशनल हवाई अड्डे, उनको सीधा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और प्रवचन सुविधाओं के लिए खोला जाएगा। मतलब सीधी उड़ान भर पाएंगे, याद रखिएगा। आप्रवासन चेक पोस्ट के लिए पुलिस अधीक्षक CID अंडमान निकोबार पुलिस को नागरिक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। तो मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों की मान्यता के संबंध में प्रावधान करने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 संशोधन को मंजूरी दे दी है। और इस अनुमोदन से ट्रेड यूनियनों को केंद्र और राज्य स्तर पर मान्यता मिल सकेगी, याद रखिएगा। प्रस्तावित विधेयक यह है सुनिश्चित करेगा कि सरकार द्वारा त्रिपक्षीय निकायों में श्रमिक के प्रतिनिधियों का नामांकन अधिक पारदर्शी हो जाए। इसमें यह विधेयक यह सुनिश्चित करेगा। रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया हाल ही में, जो कि क्रिकेट के कोच थे। और हाल ही में इनका निधन कहाँ? मुंबई में हो गया है। और यह सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट कोच थे। और 1990 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। और 2010 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और 2010 में इन्हें एक और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। PK सिंह CCI के सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने प्रमोद कुमार सिन्हा, इनका पूरा नाम है, अपना सचिव नियुक्त किया है इन्हें।
और इससे पहले वे पीके सिंह सीसीआई के सलाहकार थे, याद रखिएगा। और सीसीआई होता है कॉम्पिटिशन्स कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी, याद रखिएगा। जयंत कुमार ने नेशनल जियो स्पेशियल और जीता। जयंत कुमार ने न्यू नेशनल जियो स्पेशियल जीता। इंडियन सोसाइटी फॉर रिमोट सेंसिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, IIT के प्रोफेसर जयंत कुमार घोष को नेशनल जियो स्पेशियल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि ISRS अंतरिक्ष विज्ञान, रिमोट सेंसिंग और भूस्थानीय प्रौद्योगिक के क्षेत्र में जाने जाने वाला एक संगठन है। हरियाणा सरकार ने 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी हाल ही में। तो हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के कार्यान्वयन क्रियाकलाप के लिए इस परियोजनाओं को मंजूर 11 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, और इसमें सोम नदी पर सोम सरस्वती, बैराज सरस्वती और जलाशय, और इसमें सोम नदी पर सोम जलाशय और सरस्वती पर बैराज जलाशय और आदि बद्री बांध का निर्माण भी शामिल है, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है जो कि शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, याद रखिएगा। जस्टिस आसिफ को पाकिस्तान का नया सीजे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में जस्टिस आसिफ सईद खोसा को पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, या MP, याद रखिएगा। 18 जनवरी 2019 को अपना कार्यकाल का प्रभार ग्रहण करेंगे कौन? आसिफ सईद खोसा। और इनसे पहले मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसके पहले कौन थे? साकिब निसार, जो कि अभी से अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए, उनकी जगह किन्होंने लिया है? तो इनकी जगह आसिफ सईद ने लिया है। राज्य 15 जनवरी तक परिवेश को शुरुआत करेंगे। तो वेब आधारित परिवेश को 15 फरवरी 2019 तक राज्य स्तर पर शुरू किया जाएगा, और परिवेश प्रोडक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाई इंटरेक्टिव वर्चुअल एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब का इसे कहा जाता है, और डिजिटल भारत पहल के तहत विकसित एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली है। अगस्त 2018 में विश्व जैव ईंधन दिवस पर एक प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये कब लॉन्च किया गया था? विश्व जैव ईंधन 2018 में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लॉन्च किया था, देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को डेली करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।